नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। और आप जैसे देख रहे हैं कि ग्रुप डी का बहुत सारा शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नए सेशन को। हम लोग प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 9 मिलियन के अवसर का 75% डिस्काउंट का जो चल रहा है, 75% डिस्काउंट आपको मिल सकता है ऑफिसर बैच पर। अगर किसी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑफिसर बैच के साथ जुड़ सकते हैं 75% डिस्काउंट के साथ। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर बैच। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे आपका कॉम्बो मसाल बैच, अभिमन्यु बैच, स्क्रूटी बैच, कोई भी बैच में आप 75% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन का, अपवर्तन का, धारण का या केंद्रीय बिंदु का? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक चम्मच जो पानी के अंदर टेढ़ा दिखता है वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। समझ में आ रहा है? अपवर्तन के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेंस और इसका जो सवाल है, ये दो तीन बार आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है? तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंबित, आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। हमने क्वेश्चंस क्या बोला है जरा आप ध्यान से देखिएगा। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंबित, आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा। तो उत्तल लेंस के कहां पर स्थित होने पर, जरा ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस के कहां पर स्थित होने पर यह बनेगा? तो एक बात देखिएगा, उत्तल लेंस के संबंध में हम बात कर रहे हैं। किसके संबंध में? उत्तल लेंस के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस में आप देखेंगे आपका ये जो है, दो तीन बार अच्छी तरीके से आप इसको देख लेंगे, किसको? उत्तल लेंस वाले कॉन्सेप्ट को। जस्ट वन मिनट डियर, मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं आप लोगों का। ओके, चलिए। तो उत्तल लेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वस्तु की स्थिति, अगर हमने क्या बोला था, यहां के बाद वाले जगह को आपको, यहां के बाद वाले जगह को जो है आपको अनंत मानना है। क्या मानना है? अनंत मानना है। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो, वस्तु की स्थिति कहां हो आपका? अनंत पर। हमने क्या बोला है, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो, प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1, F2 और 2F2 के बीच बनता है, दो नंबर का कंडीशन। अगर आपका 2F1 पर हो वस्तु, तो प्रतिबिंब आपका F2 पर बनता है, सेम साइज का बनता है। तो यहां पे क्वेश्चंस आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब आपका एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जब रखा जाता है तभी आपका आभासी प्रतिबिंब। हेलो, क्लास में हूं। तो ये बात समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आपको बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? जब कोई वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंबित बिंबन नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए, जब कोई वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब। अभिसरण लेंस किसको कहा जाता है? अभिसरण लेंस बोला है। तो अभिसरण लेंस मतलब उत्तल लेंस। अभिसरण लेंस का मतलब है कि उत्तल लेंस। अभिसरण लेंस का मतलब क्या है? उत्तल लेंस। अभिसरण लेंस का मतलब क्या है? उत्तल लेंस।
तो जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आप अगर देखेंगे इसमें, हमने बोला फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु की दूरी से दुगुनी दूरी पर, फोकस बिंदु से दुगुनी से अधिक दूरी पर, या फोकस बिंदु से पहले। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो फोकस बिंदु पर होगा, एफ पर रखा है, फोकस की दूरी से दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी से दुगुनी से अधिक दूरी पर, तो यहां पे आपका फोकस बिंदु से पहले करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, कहां, हमने क्या बोला है क्वेश्चन, जरा ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए, हमने बोला है क्या बोला है, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जरा ध्यान से देखिए, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग 2F1 पर कोई वस्तु को रखेंगे, कहां पर आप लोगों का आंसर आया, 2F1 पर, ए इज अ राइट आंसर। अगर हम लोग 2F1 पर कोई वस्तु को रखेंगे, किस पर रखेंगे, 2F1 पर कोई वस्तु को रखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला कंडीशन है। अगर 2F1 पर कोई वस्तु को रखा जाए भैया, कहां पर, 2F1 पर कोई वस्तु को रखा जाए, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक आकार का बनेगा, सेम साइज का, समझ रहे ना, सेम साइज का बनेगा। तो 2F1 पर ये आपको बिल्कुल ध्यान में, एक बार ये लास्ट रिवीजन है, आप एक बार कर लीजिए लेंस के सारे क्वेश्चंस को, आपको दिक्कत ना हो पेपर में, ठीक है। हमने बोला है थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लेंस दर्पण इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवतल लेंस में प्रकाशीय किरण से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां निकलेगी, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, अवतल लेंस के प्रकाशीय किरण से होकर ऑप्टिकल सेंटर, अगर अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से किसी को गुजारा जाए, अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने पूछा है अवतल लेंस के प्रकाशीय किरण से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां निकलेगी, अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद कहां निकलेगी, अपवर्तन के बाद, ओके जस्ट वन मिनट, तो जल्दी से बताइए, अपवर्तन के बाद, तो अवतल लेंस में प्रकाशीय किरण से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के बाद कहां निकलेगी, अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद। तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर आप बीच में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर इससे कोई प्रकाश को गुजारा जाता है तो बिना विचलन के निकलता है, कोई भी विचलन यहां पर नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या होगा, मुख्य वक्रता केंद्र से, मुख्य अक्ष के से, बिना किसी विचलन के, तो करेक्ट आंसर होगा बिना किसी के विचलन के। अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम किसी भी प्रकाश को गुजारेंगे तो वह बिना किसी विचलन के निकलेगा, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, अगला सवाल आपका क्या है, डैश रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है, सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, सबसे कम विचलन हमने पूछा है, कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। हमने पूछा सबसे कम विचलन, तो सबसे कम विचलन के संबंध में बात करा जाए तो यहां पे देख सकते हैं लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम देखा गया, किसका, रेड कलर का जो विचलन देखा गया वो सबसे कम, और सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन देखा गया। तो सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग का जो विचलन है वह सबसे कम है, रेड का जो विचलन होता है वह सबसे कम है। आज फाइनल करा रहे हैं, अब रोज रोज लाइट कमेंट में मत लिखना सर ये क्वेश्चन करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आज एक बार और करा दे रहे हैं, कल से हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे एक दो दिन,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, ये जरा देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। मैंने क्या बोला, जल की बूंदों से होकर डैश इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन या प्रकाश का प्रसार। आज लेट क्लास चल रहा है, आज चल रहा है, कल से नहीं चलेगा। ओके, कल से आपकी क्लास जो है थोड़ा और पहले, मतलब 12 पीएम से स्टार्ट हो जाएगा, 12 पीएम से कल से क्लास होगा, 12 बजे से। ओके, तो कल से जो क्लास होगा वो 12 बजे से होगा। आज आज के लिए बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है क्लास, आप वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने क्वेश्चन पूछा, जल की बूंदों डैश से होकर इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन से, प्रकाश का अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, या प्रोग्रेशन ऑफ लाइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यहां पे आपका सी नंबर आया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों चीज होगा क्या? आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो जरा सा आप देखेंगे इंद्रधनुष में क्या क्या घटना घटता, पहले समझ लीजिए। इंद्रधनुष एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीय इंद्रधनुष होता है। यहां पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कहते हैं, यहां पर आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां पे आपका रिफ्रैक्शन होता है, यहां पे भी आपका रिफ्रैक्शन। तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो बार रिफ्रैक्शन होता है। यहां पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहां पे आपका रिफ्रैक्शन, यहां पे आपका रिफ्रैक्शन। समझ रहे हैं आप बातों को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है, ये जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है, इसमें दो बार रिफ्लेक्शन और दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जाता है, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कहां बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में ही हमेशा इंद्रधनुष बनता है, ये बात को ध्यान रखिए। ये थोड़ा धुंधला होता है, ये ज्यादा चमकीला होता है। तो प्राथमिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ही बार होता है, लेकिन द्वितीय में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये दो बार देखने को मिलता है। द्वितीय इंद्रधनुष में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो दो बार देखने को मिलता है। कितने बार? दो बार। ओके, तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमने बोला है जल की बूंदों से डैश से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, बी इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ओके, कहां से? प्ले स्टोर से। इसमें बहुत सारी सुविधाएं, आपको डेली, वीकली, मंथली, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज जो है लाइव क्लास मिलेगा। ओके, अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास। ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर से। जब श्वेत प्रकाश जो सात रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, उसका प्रक्षेपण क्या होता है? सात रंगों का श्वेत प्रकाश, सात रंगों को पूरे प्रिज्म से प्रकीर्णित करता है, श्वेत प्रकाश सात रंगों का कांच में प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है, रंग प्रिज्म द्वारा परावर्तित होती है, या सात रंग समान चाल से अपवर्तित होता है? तो श्वेत प्रकाश सात रंगों के पूरे प्रिज्म से होकर प्रकीर्णित करता है, या श्वेत प्रकाश के सात रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरता है, तो यहाँ पे होगा अलग अलग चाल में गुजरने के कारण ही ये अपने अवयवी रंगों में, फंडामेंटल कलर में ये बदल जाता है। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, जल्दी जल्दी बताइएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमने पूछा है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तल दर्पण
तो उत्तल दर्पण में हमने आपको एक दो बात बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कि उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में कभी भी आपका वास्तविक इमेज नहीं बनता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। हमेशा आपका क्या बनेगा? काल्पनिक होगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दो कंडीशन यहां से पूछे जाते हैं, दोनों कंडीशन को तुम ध्यान में रख लेना। पहला एक पूछता है, वस्तु अगर अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर दर्पण के सामने है तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ओके, अगला सवाल आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोनों समीकरण हमने 10-20 बार आपको पढ़ाया होगा कि f बराबर r बाई टू या r बराबर 2f, ये दोनों चीज आपको खूब अच्छे से हमने पढ़ा दिया है। f बराबर r बाई टू या r बराबर 2f, ये दोनों चीजों को तो मैंने खूब अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज के बाद कमेंट में मत लिखना सर अब लाइट चैप्टर करा दीजिए, मेरा 30 को पेपर है, ठीक है? क्योंकि आप लोग कमेंट करके फिर क्लास करने ही नहीं आते। फोटोग्राफिक कैमरा का जो लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। हमने बोला आंख को देखकर कैमरा बनाया गया, आंख का पूरा फंक्शन मैकेनिज्म उसी तरह कैमरा का मैकेनिज्म है। तो यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये प्रकाश को क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है, सारे प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। कौन? उत्तल लेंस। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। उत्तल लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या काल्पनिक उल्टा? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव के रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर, तो मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा? तो मानव के रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। रियल इमेज होता है और उल्टा बनता है। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसका पैर ऊपर होगा और सर जो है वो नीचे होगा, समझ में आ रहा है ना? तो उल्टा प्रतिबिंब और वो रियल इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल, अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किसका उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? क्यूप्रस क्लोराइड, प्लेटिनम का चूर्ण, निकेल का या लौ चूर्ण का? हम लोग जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे प्लेटिनम के चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे या निकेल का या क्यूप्रस क्लोराइड का? लौ चूर्ण जो है ये आपका कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। किसके रूप में? कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के व्यवहार का व्यवहार किसके मापने के लिए किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है यह प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। किसको? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसको? प्रतिरोध को मेजर करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को मेजर करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इस्तेमाल है प्रतिरोध को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो आवर्त के नियम का खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ के जिसकी परमाणु किसके आधार पर था, इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और जो मोसले की आवर्त सारणी है 1913 में तैयार किया है यह परमाणु संख्या पर आधारित था। यह किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर आधारित था। यह किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर आधारित था। ओके, यह आपका जो था मोसले की जो पीरियोडिक टेबल, यह आपका परमाणु संख्या पर आधारित था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जरा देखते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इनर्ट गैसों का खोज, इनर्ट गैसों का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने, रेमजे ने, सिले ने या कैवेंडिश ने? इनर्ट गैसों का खोज किसके द्वारा किया गया था? अक्रिय गैस, 6 अक्रिय गैस है आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये 6 इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस के खोज करने का श्रेय जो है इसे किसे दिया गया? इनर्ट गैसों का। ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया? प्रिस्टले के द्वारा। तो इनर्ट गैसों का जो खोज है वो रेमजे के द्वारा किया गया। ओके,
तो ऑक्सीजन का कोई पृष्ठलय ने क्या है, तो यहाँ पे आपका रेमसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छह आपके इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। अब पूछा जाएगा वायुमंडल में कौन सा इनर्ट गैस नहीं पाया जाता है, कहाँ पे वायुमंडल में कौन सा इनर्ट गैस नहीं पाया जाता है, तो वो होगा आपका रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में जो है रेडॉन नहीं पाया जाता है, तो ये रेडॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला इनर्ट गैस आपका क्या होगा, रेडॉन होगा। अधातुओं का व्यापक उपयोग, अधातुओं का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जल बनाने, जल बॉयलर में किया जाता है, खाद में किया जाता है, हवाई जहाज में किया जाता है, या मशीनरी सामान के यंत्र में किया जाता है। तो अधातुओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अधातु का, अधातुओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, अधातु का, अधातुओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पूछा है, तो बी नंबर खाद बनाने के लिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है, अधातु, ये आपका ऑक्सीजन क्या है, अधातु। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे या अधातु पूछे, दोनों में आपका ऑक्सीजन ही आएगा। सिलिकॉन आपका क्या होता है, उपधातु, सिलिकॉन आपका सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है, और एल्युमिनियम तो खूब अच्छे से पता ही होगा ये आपका धातु है। एल्युमिनियम क्या है आपका, ये आपका एक धातु है, कौन, एल्युमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरे रंग का होता है, ठोस या आयोडीन का जो रंग होता है वो लाल भूरे रंग का होता है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, ठोस है। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है, अधातुओं में चमकदार पूछा गया है कि अधातुओं में कौन चमकदार होता है, तो अधातुओं में जो आयोडीन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा या नियॉन होगा, जल्दी से बताइए अधातुओं में चमकदार कौन होता है, अधातुओं में चमकदार पूछा गया है, अधातुओं में चमकदार कौन होती है, तो अधातुओं में अगर हम लोग चमकदार के संबंध में बात करेंगे तो वो आपका आयोडीन होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, आयोडीन जो है ये आपका चमकदार है, ठीक है, यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर, आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या आपको पता है 53 होता है, आयोडीन जो है 53 नंबर परमाणु संख्या, 53 आपका, आयोडीन की कमी से घीघा नामक रोग होता है, तो आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 53, और आयोडीन की कमी से आपके शरीर में जो बीमारी है घीघा नामक रोग होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से घीघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल क्या है, 35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व, हमने क्या पूछा, 35 उसके बाद 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व क्या है, हैलोजन है, अल्कलाइन है, निष्क्रिय गैस है या हैलाइड है, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे, हमने पूछा 35, तो अगर आप देखेंगे कि आपका 35 में क्या पाया जाता है भैया, ब्रोमीन, 35 किसकी परमाणु संख्या होती है, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका क्या है, हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ब्रोमीन आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब आपका हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है, हैलोजन के अंतर्गत। दूसरा बात, ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आपका पाया जाता है क्या, ब्रोमीन एक आपका अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आपका पाया जाता है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पाया जाने वाला एक धातु है, कौन, ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो आप हैलोजन ग्रुप को जरूर याद कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपका इनर्ट गैस का जो ग्रुप है, ये तो 17 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल का एक जो है ये 17 ग्रुप है, ये आपका 17 ग्रुप है, ये आपका 18 ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपका हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, समझ में आ रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये जरा देखते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पूछा आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह को हैलोजन में रखा गया है, तो यहाँ पे 17 समूह को हम लोग हैलोजन के अंतर्गत रखे गए, कौन से समूह को, 17 समूह के आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन, 18 को हम लोग क्या रखे हैं, इनर्ट गैस वाले, ये शून्य समूह कहा जाता है 18 को। फर्स्ट हो गया अल्कली मेटल, अल्कली मेटल वाले ग्रुप है, फर्स्ट समूह को हम लोग अल्कली मेटल, दूसरे को हम लोग अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को हम लोग अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल क्या है ये जरा देखते हैं, डैश समूह को 17 का सबसे अभिक्रियाशील मूल तत्व है, ब्रोमीन होगा आपका या आपका फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा या आपका क्लोरीन होगा या आपका आयोडीन होगा,
बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। यहां पूछा है डैश समूह के 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो जरा अगर सीरीज देखेंगे यहां पे, चलिए आप जरा यहां पे देखेंगे सबसे कम अभिक्रियाशील तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। नीचे जाने से अभिक्रियाशीलता जो है इसका घट रहा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील पूछा गया है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोडीन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर नहीं, डी इज द राइट आंसर। आयोडीन आपका बहुत करेक्ट आंसर होगा। जैसे हम क्लोरीन के संबंध में बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होता है वो क्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है? तो यहां तो आपका निर्वात हो गया, इंपॉर्टेंट ये तो है ही है, एन इक्वल टू सी बाय वी जो है खूब पूछा गया था इस बार, एन इक्वल टू सी बाय वी। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो क्वेश्चन आपके बने हैं, किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये स्पीड याद रखेंगे तभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल पाएंगे अलग अलग माध्यम में। जैसे वैक्यूम में आपको पता ही है, एयर में वाटर का जो स्पीड है वो अगर 2.25, आपका ग्लास का जो है 2×10^8 मीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, समझ में आ रहा ना? एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, एक से कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, एक से कम जो है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, किससे कम? एक से कम जो है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रकाश डैश में संचरित होता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या वक्र रेखा में या सीधी रेखा में? तो प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है, तो ये कैसे ट्रांसफर होता है? लेकिन प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करता है, किस रेखा में? सीधी रेखा में आपका गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में, गोलीय दर्पण में। तो पूछा है एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है? तो फोकस लंबाई बताइए, साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई आप बताइए। तो फोकस लंबाई आपको पता है एफ स्कल टू जो होता है आर बाई टू होता है, आर बाय टू, तो 30 बटा हम लोग 30 बटा क्या किया 2 आएगा, तो यहाँ पे तो 15 आ गया, एफ जो है ये आपका 15 आया, पहला बात तो ये। लेकिन हम लोग -15 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है भैया, क्या है? अवतल दर्पण है आपका करेक्ट आंसर जो होगा, ए इज अ राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण आपका -15 सेंटीमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इन चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपका फोकस दूरी आपका माइनस हो गया, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब तक आप जो फॉर्मूले पे सवाल बनाते हैं, ये बहुत लोग फंस जाते हैं सवाल बनाने में, किसका सवाल? तो ये जो दर्पण सूत्र का सवाल होता है, ये जो आप बनाते हैं कि 1/f = 1/u + 1/v, ये सवाल बनाने में जो आप रुक जाते हैं या फंस जाते हैं, क्यों? या गलत होता है क्यों? किसी को आ भी रहा है, बहुत लोग सही भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं कि सही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे 1/f = 1/u + 1/v का कॉन्सेप्ट, ये जो सवाल है इसमें जरा ध्यान से समझिएगा, ये आप गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है, यहाँ पे पहले सवाल में हमेशा देखिए अवतल दर्पण लिखा है कि उत्तल दर्पण लिखा है, अवतल लिखा है या उत्तल लिखा है? अगर अवतल लिखा है तो यू भी माइनस होगा आपका, समझ लीजिए, वी भी आपका माइनस होगा, तीन ही चीज पूछता है ना, यू भी माइनस होगा, भी माइनस होगा, और एफ क्या लेंगे? फोकस दूरी, देख रहे हैं फोकस दूरी आपका लेफ्ट साइड है, ये भी आपका माइनस होगा, समझ में आ रहा? लेकिन दो कंडीशन में, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, समझ में आ रहा? वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, आभासी प्रतिबिंब की सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो ये सब आप माइनस में लेंगे, ये सब क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हम अवतल का कर रहे हैं या उत्तल का कर रहे हैं, ठीक है। और u इज ऑलवेज नेगेटिव,
यू जो है अवतल या उत्तल हो, किसी का भी हो, हम निगेटिव लेते हैं क्योंकि और लेफ्ट साइड ही होता है। यू जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए निगेटिव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये जरा देखते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है? जिस बिंदु पर हमने क्या क्वेश्चन बोला है जरा ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे डैश कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोकस बिंदु कहा जाता है, डेट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। यह आपका फोकल पॉइंट कहलाता है, यह आपका क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। हमने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है? दर्पण के प्रावर्तित सतह पर स्थित होता है, प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है, दर्पण के प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। यह आपका क्या है? यह जो है आपका ध्रुव है, दिस इज कॉल्ड द पोल। यह आपका क्या है? यह आपका पोल है जो प्रावर्तित सतह के पर स्थित होता है। यह आपका क्या है? पोल है, पोल, पोल, समझ में आ रहा है ना? यह आपका पोल है। सी इज अ राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज अ राइट आंसर। ये आपका क्या है? पोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है ये जरा देखते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो इसका दो रिलेशन आप ये आपने याद रखा है, या तो आपका r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू क्या लिखा, 2f लिखा, या f बराबर r बाय 2, f बराबर आपका r बाय 2। ये इसके बाद आप लोग कमेंट में प्लीज मत लिखना सर अब लाइट चैप्टर करा दीजिए, खूब करा दिए, 10-20 बार करा दिए, ठीक है, 20 बार से ज्यादा ही सब कुछ करा दिए। तो एक आध बार अभी जो जिसका बचा हुआ है रिविजन वो लोग कर लीजिए, बाकी जिसका पेपर अच्छा गया तो कोई बात नहीं, आज जिसका पेपर कुछ खराब गया है तो अपनी तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं कि बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अब अगला रिजल्ट आएगा उसके बाद हम अगला तैयारी करेंगे, तब तक 5 महीना बीत जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं ना कि ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, हम उसमें देखेंगे मेरा अच्छा नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं तो तब तक पढ़ाई वढ़ाई बंद करके हम घूमते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर किसी का खराब गया है पेपर कोई बात नहीं है, वो होता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। कई लोग 10 बार फेल भी करते फिर भी पास कर जाते हैं। अगर मन में है कि सरकारी नौकरी लेना है तो पूरे जी जान के साथ लग जाइए। देखिए पैटर्न चेंज होगा, एक ही पैटर्न में हर सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तुमको लगता है कि मैथ और रीजनिंग बहुत टाइट पूछा गया, टाइट नहीं है क्वेश्चंस, टाइट की बात नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपने टेस्ट बहुत कम लगाया है, ये बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने का कितनी बार प्रयास किया ये बता देना ईमानदारी पूर्वक कि हम बैठे हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट लगाए। ये कम से कम तुम्हें 50 से 100 क्वेश्चन का ऐसा करना चाहिए था, 50 से 100 लगभग। अगर तुम 100 ऐसे बनाए रहते तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे पास रहता। यहीं पे दिक्कत हो रही है और कहीं दिक्कत नहीं हो रहा। तो किसी गोलिया दर्पण की जो फोकस दूरी होता है इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? कथन जो है, स्टेटमेंट जो है सही है। बिल्कुल जाइए और एकदम आराम से अच्छे तरीके से पेपर देकर आइए, एकदम बेहतरीन तरीके से। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही है वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के समान होती है, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तो जितना भी दूरी है, यहाँ पे दूरी लिख लेना, जितना भी दूरी है सर, जितना प्रकार का दूरी है सबको कहाँ से मेजर किया जाता है? जितने भी प्रकार की दूरी है, जितने भी प्रकार की दूरी है सबको पोल से मेजर किया जाता है। कहां से? पोल से मेजर किया जाता है। सभी प्रकार के दूरी को जो है पोल से मेजर किया जाता है। यहाँ पे बी इज अ करेक्ट आंसर। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ओके आगे हम लोग पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़े। अगला सवाल आपका क्या है यह जरा देखते हैं। पूछा गया क्या, एक विमान दर्पण की छवि कैसा होता है? विमान दर्पण कहने का मतलब, विमान दर्पण कहने का मतलब क्या है? विमान दर्पण का कहने का मतलब क्या है? तो विमान दर्पण मतलब प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में आपका आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब और पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। हमने एक भी बच्चों का, बहुत लोग क्लास बंद कर दिए, बहुत लोग ये कर दिए, लेकिन आपने एक चीज को हमेशा देखा, जितने भी बच्चे आए, कभी 4000 भी आए, कभी 5000 भी पढ़ के गए, कभी 7000 भी, कभी 200 भी, हमने कभी क्लास बंद नहीं किया आपका, किया क्या, कभी 100 बच्चे भी पढ़े। मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम्हारा अंतिम पेपर तक हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है उसको हम एग्जाम, ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्लासेस है। इसके बाद मैं तुरंत 11 बजे वाली जो क्लास है वो स्टार्ट करूंगा। आप लोगों से मैं बता दिया हूँ सर 11 बजे वाली क्लास जो है एनसीईआरटी आधारित क्लास, अगर किसी का पेपर खराब जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारे लोगों का सिलेक्शन हो ही रहा, तो कोई बात नहीं है, आपको एकदम नाराज नहीं होना, दूसरी एग्जाम की तैयारी करना है, और आप अच्छे से करेंगे तो एक बार नहीं आपने सीख लिया आप क्या करना चाहिए, तो वो करने के लिए आप लग जाए। ओके तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है, तो +15 है तो यह क्या होगा? यदि किसी दर्पण की जो फोकस लंबाई है +15 है तो यह क्या है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या डबल लेंस? यदि किसी दर्पण की फोकल लंबाई +15 है तो प्लस हम किसमें लेंगे, फोकल लंबाई प्लस हम किसमें लेंगे, तो उत्तल दर्पण में लेते हैं। किसमें लेते हैं? उत्तल दर्पण में फोकल लंबाई को हम लोग प्लस लेते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का भी साइन कन्वेक्शन आप समझ लीजिए, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं, इस उत्तल दर्पण का भी आप याद रखिए जब आप सवाल बनाते हैं। किसका? 1/f का, 1/f = 1/u + 1/v का जब आप सवाल बनाते हैं, 1/f = 1/u + 1/v का जब आप सवाल बनाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो हम कहने का कोशिश कर रहे हैं आपको। तो इसमें भी याद रखिए कि ये आपका राइट साइड f है, राइट साइड f है तो प्लस सिंबल लेंगे, क्या लेंगे हम? प्लस लेंगे राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड, वस्तु की दूरी इधर है, उत्तल दर्पण में वस्तु तो इधर ही रखेंगे ना, तो हम इसीलिए माइनस लेते हैं, अवतल हो कि उत्तल हो, वस्तु आपका लेफ्ट साइड ही होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये साइन कॉन्वेक्शन अगर आपको सही से आ रहा है तो आप फॉर्मूला सही से सेट कर पाएंगे, अन्यथा गलत होने की संभावना खूब है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब कैसा निर्मित होने वाले छवि का? तो कहां रखा गया, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, कहां रखा गया? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु हमने क्या बोला है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस बिंदु, एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एफ और सी के बीच रखा हुआ है, एफ आपका यहां हो गया, सी आपका यहां, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता के प्रतिबिंब पूछा कैसा बनेगा, तो वो वास्तविक और उल्टी होगा, हमने बोला फोकस तक जितना प्रतिबिंब बनेगा वो सारा रियल होगा, वो सारा क्या होगा, रियल होगा, सी से करेक्टर था, वास्तविक और उल्टी होगा। ये पांचों कंडीशन का जो है, अनंत पर होगा या वक्रता केंद्र से दूर या वक्रता केंद्र पर या सी एफ के बीच या एफ पर, ये सारे आपके रियल इमेज वास्तविक होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका पेपर है एकदम अच्छे से जाके दीजिए, कूल होके एकदम आराम से आप पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं, क्यों, आपने खूब अच्छे से तैयारी करी है पिछले तीन, वो बस आपका अंदर कहता है हमारा पेपर अच्छा जाएगा, कि हमको मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है और साइंस भी आता है, हम मास्टर नहीं है इसके, लेकिन हमें एवरेज आता है, बस आपको इतना आना चाहिए।
ओके okay. अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये बताइए, यहाँ पे है आपका, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है बिंदु पर रखा जाता तो निर्मित होने वाली छवि कैसा होगा। एक वस्तु के एक उत्तल दर्पण पूर्व बोला गया, तो उत्तल दर्पण पहले हमेशा देखिए क्या बोला गया, उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच रखा गया। जब अनंत और दर्पण के बीच बोलेगा तो क्या होगा, इसमें तो कभी भी वास्तविक इमेज तो बनता नहीं है, तो वास्तविक वाला तो ऐसे काट दो दोनों ऑप्शन, उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक इमेज बनता ही नहीं, आवासी और छोटी होगा, आवासी और वस्तु से छोटी इमेज बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बन रहा है ये सब सवाल भाई, हो गया आप कितनी बार मैसेज करोगे, मेरा पेपर 30 को है क्या करे बताओ, पोस्टर बनवा दे, इसका पेपर 30 को है ये बता दो तुमसे। यदि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा, फोकस और क्या बोला है और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण है ये आपका ध्रुव है और ये आपका फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच जो है तो ये पूछा गया है कैसा होगा, अपूर्ण होगा, आवासीय होगा, वास्तविक होगा या पूर्ण होगा, बात समझ रहे, तो ये जो होगा आभासी होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कितना होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, धन आप चिन्ह परिपाटी तो आपने पढ़ा है तो बताइए, हमने पूछा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई है वो क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई तो उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो क्या होगा आपका, सी नंबर आया धनात्मक, क्योंकि उत्तल उत्तल में फोकल लेंथ हम लोग क्या होता है राइट साइड होता है, इसीलिए हम लोग फोकल लेंथ जो है ये आप देखो किधर है आपका राइट साइड है, इसीलिए हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वस्तु की दूरी रहता तो ये लेफ्ट साइड है इसीलिए हम माइनस लेते। तो इससे आप आइडिया, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, याद करने से कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है बताइए। हमने पूछा जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, कैसा निर्मित होता है, अनंत पर अगर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब बताएंगे। हमने क्या बोला है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है, तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो अनंत पर रखेगा तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब जो बनेगा यह आपका फोकस पर बनेगा भैया, फोकस पर। हमने इस कंडीशन को भी आपको खूब समझा दिया कि इसमें भैया 6 कंडीशन होते, लास्ट बार समझ लो, यहां के बाद वाले जगह को हम अनंत कहते हैं इनफिनाइट, इस वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं अनंत कहा जाता है, ये पहला जगह, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का जगह, दूसरा तीसरा कंडीशन आपका वक्रता केंद्र पर, चौथा कंडीशन सी और एफ के बीच, पांचवा कंडीशन आपका एफ पर और छठा कंडीशन आपका यहां पर, यह आपका छठा कंडीशन। तो ये बात आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बात जो है एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा, तो यहां पर अगर अनंत पर बोला जाएगा, किस पर बोला जाए अनंत पर, हमने बोला है
तो अगर आपको फोकस पर बोला गया, आप आनंद पर बोला गया, प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। ओके, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यह प्रतिरोध के लिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किसने, प्रतिरोध मापने के लिए, धारा के लिए, एमीटर सर। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आवर्त के, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, चलिए ठीक। आज का सेशन आप यहीं तक रहने दीजिए, बाकी हम लोग मिलते हैं सर अगले सेशन में। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, कल। कल से जो क्लास होगी वो 12 बजे से होगी। कितने बजे से होगा, तो कल से जो आपकी क्लास होगी वो 12 PM से होगा, 12 PM से, 12 PM से क्लास होगी, 12 बजे से आपका क्लास होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। क्लास 1 कंप्लीट।